बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला बरकतें दे आपके खानों में। और ये देखिए आज लाई हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार जूस की रेसिपी, क्योंकि आजकल सीज़न भी है अनार का, तो बहुत प्यारा और मज़ेदार किस्म का अनार आएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं जूस बनाने की। अच्छा जी देख लेते हैं हम ये इस कोल से पार्ट को हम निकाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और इसके बाद हमने ये लगा लेने हैं इसको काट काट के, इससे क्या होगा हमारा इजीली बहुत अच्छे से ये खुल जाएगा अनार, ठीक है। इसी तरीके से हम लगा लेंगे कट्स। ये देखिए जी अनार को हमने ये लगा लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गोल वाला पार्ट इसका निकाल चुके हैं, इसको हम खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा अंदाजा ये बना है, इसको हम दानों को निकाल लेंगे इसी तरीके से। और ये जो छिलका है हमारा उसको हम हटा देंगे, ये वाला छिलका ना जाए ताकि कड़वा होता है, ठीक है। ये निकाल लेंगे हम इसको साइड में अलग से। और ये जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है, खून को बढ़ाता है, जिगर को ठंडा रखता है, बहुत सारे अनार के फायदे हैं, स्किन को अच्छा करता है। तो आप आजकल सीज़न भी है और बहुत सस्ता भी मिल रहा है, तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम अनार को हमने निकाल लिया माशाल्लाह से, बहुत रेड रेड हमारा अनार निकला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने जार ले लिया, इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 चम्मच हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चीनी, आप चाहें तो इसमें चुकंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चुकंदर भी ठंडा होता है और आयरन का बहुत मिकदार होती है उसमें, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर पसंद नहीं तो मैं चुकंदर नहीं शामिल करूँगी। ये थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं, 1/4 टीस्पून है ये काला नमक, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये चिल पानी इस्तेमाल करूँगी 2 गिलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें, अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। हम देख सकते हैं जो जूस को हम निकाल लेंगे। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको जूस को छान लेंगे ताकि बीज वगैरह हमारे रिमूव हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं बीज और ये थोड़ा सा पल्प है, इसको अच्छे से इसको भी निकाल लेंगे हम घुमाकर। इसको छानना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बीज वगैरह जब पीने में मुँह में आते हैं तो उसका पता नहीं आता पीने का। ये देखिए जी आप देख सकते हैं बीज वगैरह हमारे हो गए हैं लैदा। अच्छा जी ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा जाग वगैरह इसको रिमूव कर दें, ये फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लेमन इस्तेमाल करेंगे इसमें, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल कर लिया बहुत ही मज़ेदार से, आप देख सकते हैं हमारे जो तैयार हुआ बहुत रेड, इसमें कलर वगैरह हमने कुछ नहीं इस्तेमाल करा। आपको दिखाना है हमारे जूस, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा होता है और आजकल अनार बहुत सस्ता भी मिल रहा है, आप जरूर बनाइए, जरूर ट्राई कीजिएगा। खून को बढ़ाता है, जिगर को ठंडा, कुछ तो बहुत सारे फायदे हैं अनार के।